लोक से देहधरी जगाए, जीवन बंद छुड़ाइया गुरबंदी छोर कहाए। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोट बार साहेबंदगी करते हुए मेरी पूज्य संत समाज साहब के तमाम नैमी प्रेमी भक्तों अंश आत्माओं मेरी सबको सप्रेम साहेबंदगी। तो आइए मैं आपको मंगलाचरण के माध्यम से ये शब्द साहब का सुनाने जा रहा हूं। सभी हंस आत्माएं बड़े ध्यान से सुने। सतगुरु शरण जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कह जाए तो उठे नहीं लागिए। संतों भला बुरा कह जाए तो उठे नहीं लागिए, उठ लागे सुरारे रारे महानी चहे। जय घट उपजे क्रोध सुखट मीच है। संतों जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे जवाब दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। संतों गम अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए, अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को, स्वान को यही सुहाव कहे पुनिहार को। संतों स्वान का यही सुभाव गए पुनिहार को, जाके जबन सुभाव छूटे नहीं जीव से, नीमन मीठो हो इसी चो गुण गी बसे। संतो नीमन मीठा हो इसी चो गुण गी उसे, माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आगे पूछी मत जाने दबी है राख में। संतो आगे पूछी मत जाने दबी है राख में, कहा भये बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को। संतो ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को, कहे कबीर विचार समझ मनोभावना, हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। संतो हंस गए सतलोक बहरे नहीं आवना। तो आइए हम आत्माओं शब्दार्थ के माध्यम से समझें। शरण, शरण का मतलब है शरण में आना, शरणे का मतलब शरण में, तामस का मतलब है क्रोध लोभ मोह छत घृणा निंदा चोरी एवं हिंसा आदि समस्त दोष दुर्वासे। प्रदार का मतलब है झगड़ा कलह कल्पना। नीच का मतलब है निम्न बहुत बुरा, और मीच का मतलब है मृत्यु। स्वान का मतलब है कुत्ता, पीयू माने प्रभु पिया परमात्मा सतपुरुष। हंस का विवेकवान जीव, हंस का मतलब विवेकवान जीव। सतलोक सत्पुरुष का लोक, अकालोक अजर लोक सत्यलोक अमर लोक यानी मोक्ष धाम।
तो आइए भावरत समझाते हैं। जब तुम सतगुरु की शरण में जाकर उन्हें समर्पित हो जाए तब निश्चित पूर्वक क्रोध दोष ईर्ष्या अभिमान आदि दोष वाले तमाम स्वभाव का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें भला बुरा कहे तो भी आप तुरंत अपने हृदय में शांति भाव लाओ, उनकी भांति उसे बुरा मत बोलो, उत्तेजना में आकर उससे विवाद मत करो। इस प्रकार उत्तेजित होकर विवाद करने से कलह बढ़ता है और कलह बढ़ाना उचित नहीं, वह कलह अत्यंत नीच है। यदि किसी व्यक्ति ने अंतर मन में कलह को बढ़ाने वाला, स्वयं को जलाने वाला तथा दूसरों को भड़काने वाला क्रोध उत्पन्न होता है, समझो उसके मन में मृत्यु व्याप्त है, उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। जिसके हृदय में क्रोध आता है उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। यदि कोई तुम्हें गाली दे तो उसकी गाली का उत्तर न दो, धैर्य रखो, संतोष रखो, विवेक से काम लो। तुम्हारे पास असहनशीलता, दया, क्षमा, शील एवं संतोष आदि सद्गुणों का अमृत भरा है, उसे घोल कर क्यों नहीं पी लेते? उससे सदैव दूसरों की और दूसरों के मीठे वचन बोलने में सफल रहोगे, और दूसरों से प्रेम करना ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में अमृत फल लिए है तो भी कलह कर्मी को वह अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर कलह कल्पना होती है उसे दूसरे के सत्य वचन अच्छे भी नहीं लगते। यही स्वभाव कुत्ते का होता है, उसे बहुत अच्छा भोजन खिलाओ लेकिन वह हार मांस पाते ही पुनः अच्छे भोजन को भी छोड़ देता है और हार को चबाने में लग जाता है। यही दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का हाल होता है। जिसको जो स्वभाव होता है सामान्यता बिना भजन साधना किए हुए जीव से नहीं छूटता, जिसके गुरु नहीं होते, जिसने इस कभी ज्ञान सत्संग नहीं लिया, उसका स्वभाव तो कुत्ते बिल्ली जैसा ही होता है। नीम को कितना ही घी गुड़ शक्कर आदि से सींचो परंतु उसका कड़वापन नहीं जाता, वो कभी मीठा नहीं होता। ऐसे ही किसी को कितना भी सदुपदेश दो जब तक वह उसे ग्रहण करके उसका यथा आचरण नहीं करता तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। माना तुम्हारे हाथ में माला है, तुम उसे नाम मंत्र जप के साथ फिरा रहे हो, परंतु यदि तुम्हारी बगल में कपट कर्तनी भी है तो फिर माला फिराने से क्या लाभ होगा? तुम्हारे अंदर तो कपट छल है तो माला घुमाने का कोई लाभ नहीं। आगे को बुझी हुई मत समझो, आग बुझी हुई मत समझो, वह राख में भी दबी हुई है जो उबर सकती है। ऐसे ही ऊपर से धर्म की चादर ओढ़ने, कुछ गुणों को धारणा एवं थोड़ा बहुत अपना सुधार करने के अभिमान में मत पड़ो। थोड़ी भूल हो जाने से वही दोष दुर्गुण पुनः उभर जाते हैं।
तुम इंद्रिय संयम जब तक भक्ति भाव में स्थिर होने की बात करते हो, इससे तुम्हारे अंतर्यामी पिया परमात्मा को क्या हो जाएगा, परमात्मा को क्या हो जाएगा। ऊपर की सारी बातें मात्र कहने की अर्थात व्रत की हैं। वास्तव में जो कुछ हृदय में होगा वही तुम्हारे जीव को अर्थात तुमको फलेगा। सतगुरु कबीर साहब विचार कर समझाते हुए कहते हैं, तुम अपने मन की भावना समझो, अपने हृदय को पूर्णतः शुद्ध करो। सतगुरु के सत्य ज्ञान से संपन्न हंस जीव भजन साधना करता हुआ आत्मलीन होकर अमर लोक जाता है, सत्य लोक जाता है, फिर वह संसार में वापस नहीं आता। सतगुरु कबीर साहब अपनी चैतन्य हंस आत्मा को यह समझाते हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सतगुरु की शरण में जाकर आप अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन रखें, यही जीवन का सार्थक और हमारा मनुष्य जन्म पाने का पूर्ण लाभ है। सब प्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब जी।